तो रामलला के लिए देश दुनिया से उपहार के आने का सिलसिला लगातार जारी है और प्राचीन अस्त्र शस्त्रों के निर्माता नीलेश अरुण अपने साथियों के साथ मुंबई से नंदक खड़क लेकर अयोध्या पहुंचे और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सोने से निर्मित नंदक खड़क को भेंट किया। नीलेश अरुण के पूर्वज छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना के लिए हथियारों का निर्माण किया करते थे। नीलेश ये 80 किलो का 7 फीट लंबा खड़क लेकर कार सेवकपुरम आए हैं। अयोध्या के कार सेवकपुरम पहुंचा है नंदक खड़क। ये 7 फुट लंबा खड़क अद्भुत है, करीब 70 किलो के आसपास इसका वजन है और ये पूरा लोहे से फौलाद से बना हुआ है। इस नंदन खड़क की भी एक अलग कहानी है। नंदन खड़क के बारे में बताते हैं कि जब भगवान ब्रह्मा सुमेरु पर्वत के शिखर पर यज्ञ कर रहे थे, उसी समय यज्ञ में लौह दैत्य को देख कर वो चिंता में पड़ गए और उन्होंने अग्नि से ही यानी हवन कुंड की अग्नि से एक महाबलवान पुरुष प्रकट किया जिसका नाम नंदक रखा गया और वो नंदक तुरंत एक खड़क के रूप में परिवर्तित हो गए, यानी इसी खड़क के तरह वो बन गए। और उसके बाद उस नंदक खड़क को भगवान ब्रह्मा ने श्री हरि को अर्पित कर दिया और श्री हरि ने उसे अपने अस्त्र के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू किया। इस खड़क में तमाम मूर्तियां भी उकेरी गई हैं। सबसे ऊपर वामन अवतार है, फिर नरसिंह अवतार है, फिर शुक्र अवतार है। तमाम तरह के अवतार यहां पर नंदक खड़क में उकेरे गए हैं और दर्शकों के जो श्रद्धालु हैं तमाम प्रदेशों से, अलग अलग देश के हिस्सों से आए हैं, उनके लिए ये नंदक खड़क श्रद्धा और दर्शन का विषय बना हुआ है। कैमरा सहयोगी देशराज के साथ विवेक त्रिपाठी, जी मीडिया, अयोध्या।